Hello everyone, welcome to My Academy. Please subscribe to our channel for more updates and press the bell icon to get notification of our latest video. इस वीडियो में हम मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं. लेक्चर नंबर 6 होगा और इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रूथ टेबल, यानी कि मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रूथ टेबल. यानी आपको ट्रूथ टेबल दिए रहेंगे, उसको आपको मिनिमाइज करना होगा यूजिंग बुलियन लॉजिक, बुलियन थ्योरम एंड एसओपी फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म एंड कैनोनिकल फॉर्म, तीनों को रिप्रेजेंट करना होगा और मिनिमम फॉर्म को भी रिप्रेजेंट करना होगा. हालांकि ये एक दो बार ही गेट में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये टॉपिक जो है आपको अगर पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो कंप्लीट पढ़ना चाहिए. तो इसीलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं. आपको सीधे क्वेश्चन पर हम ले चलते हैं और वहां सब क्लियर हो जाएगा आखिर इसमें कहना क्या चाहते हैं और इसे सॉल्व क्या करते हैं हम. ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, आपको सभी को पता है. तो चलिए, क्वेश्चन है फॉर, आपसे पूछा गया फॉर गिवन ट्रूथ टेबल, ये आपका ट्रूथ टेबल दिया हुआ है. राइट मिनिमल फॉर एसओपी फॉर्म, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म एंड स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म को आपको राइट लिखना है. तो देखिए, आपको पता है कि ये आपका इनपुट है, ए एंड बी इनपुट वेरिएबल एंड वाई इज आउटपुट. तो जिस जिस पॉइंट पे हायर है, यानी कि एसओपी फॉर्म में लिखना है, एसओपी दे दिया, यानी कि हम उसी चीज को कंसीडर करेंगे जहां पे हमें मिल रहा हो आउटपुट वन. तो आउटपुट वन यहां मिल रहा है और आउटपुट वन यहां मिल रहा है. तो ये हो जाएगा आपका ए बार एंड बी बार. और ए बार और बी बार हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ जीरो जीरो है. अगर ये होता पीओएस फॉर्म में तो यहाँ पे होता, जहां पे जीरो होता उसको हम आउटपुट कंसीडर करते हैं और जहां पे जीरो है वहां पे लिखते ए एंड प्लस बी बार. और इसके लिए हो जाएगा आपका ए एंड बी बार. तो यहां से आपका एक और आपका हायर आउटपुट है, यहां भी वन है, यहां से हो जाएगा आपका ए एंड बी. और इसको रिप्रेजेंट क्या करेंगे आप, ए बार बी. तो यहां से आपका जो फाइनल आउटपुट हुआ ए बी, वो हुआ आपका ए बार बी बार एंड वन यहां पे है आपका ए बी बार एंड प्लस ये है आपका वन यहाँ पे है ए बी. तो ये हम ट्रूथ टेबल दिया हुआ है और इसको हम मिनिमाइजेशन कर रहे हैं लॉजिक एक्सप्रेशन को यूजिंग बुलियन थ्योरम का यूज करके, और एसओपी फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख रहे हैं. तो ये भी एक मिनिमाइजेशन लॉजिक का ही पार्ट है. तो यहाँ से देखिए, ये जो आपका फॉर्म है, देखिए ईच मीन टर्म में आपके सभी वेरिएबल अवेलेबल है यानी मौजूद है. तो ये कहलाएगा आपका कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म. और आपसे ये कैनोनिकल फॉर्म पूछा था, तो ये आपका हो जाएगा कैनोनिकल फॉर्म यानी कैनोनिकल एसओपी फॉर्म. उसके बाद इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपका आउटपुट कहाँ कहाँ है, एक तो जीरो पे है और दूसरा ये है वन, ये टू पे है और तीसरा थ्री पे है. तो एफ ए बी आपका आउटपुट कहाँ मिल रहा है, समेशन ऑफ एम जीरो टू एंड थ्री, ये आपका कहलाएगा स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म. एंड इसको आप मिनिमाइज कीजिए, इन दोनों में से ए कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में से बी कॉमन ले लीजिए. और आपने तो बहुत क्वेश्चन किया है लॉजिक एक्सप्रेशन का यूज करके, सॉरी बुलियन अलजेब्रा का यूज करके आपने बहुत सारे लॉजिक एक्सप्रेशन को मिनिमाइज किया है, तो आप इसमें अब एक्सपर्ट हो गए होंगे. तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए एफ ए बी, इसमें से कॉमन लेते हैं हम क्या बी बार. तो हो जाएगा बी बार ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार हो जाएगा. यहाँ से हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं ए, तो ये हो जाएगा आपका बी, बी बार प्लस बी. और ए बार प्लस ए और बी बार प्लस बी अकॉर्डिंग टू द बुलियन लॉजिक और थ्योरम इज इक्वल टू वन. तो ये हो जाएगा आपका ए बी एंड ये हो जाएगा आपका वन, तो ये हो जाएगा बी बार और ये हो जाएगा ए. ये आपका आंसर हो जाएगा और इसे हम कहते हैं मिनिमल एसओपी फॉर्म. ये मिनिमाइज होके आया तो इसीलिए हम कहेंगे मिनिमल एसओपी फॉर्म, ये आपका यहाँ पूछा हुआ है. तो हमने तीनों चीजें निकाल लिया और ये तीनों चीजें बहुत इजी था. तो कैसे हमने ट्रूथ टेबल दिया हुआ था, हमने इसको निकाला. ये एक लास्ट टॉपिक था इस बुलियन लॉजिक एक्सप्रेशन में, मतलब कि मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन बुलियन थ्योरम का यूज करके, हमें ये लास्ट टॉपिक था एक तरह का. तो हमने इसको भी डिस्कस कर दिया. एक दो और क्वेश्चन हम लेते हैं और आपको और क्लियर हो जाएगा चीजें. ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ फॉर गिवन ट्रूथ टेबल राइट मिनिमल एसओपी एंड पीओएस फॉर्म. सॉरी, ये आपका कैनोनिकल और मिनिमल दोनों मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं, लेकिन हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे. तो देखिए,
इस क्वेश्चन में पीओएस फर्म को भी पूछा है और एसओपी फर्म को, तो सबसे पहले हम एसओपी फर्म को कंसीडर करते हैं। तो एसओपी फर्म के लिए सबसे पहले देखिए, जहां पे हायर इनपुट मतलब आउटपुट वन है उस वेरिएबल को कंसीडर करेंगे। ये रिप्रेजेंट करेगा ए बार बी बार, ये रिप्रेजेंट करेगा ए बार बी सॉरी ए बी बार। तो यहां से आपका जो एसओपी फॉर्म हुआ उस हो जाएगा आपका ए बार बी बार एंड प्लस ए बी बार, ये हुआ आपका कैनोनिकल फॉर्म। और इसको आप मिनिमाइज करिए तो यहां से दोनों जगह से बी बार कॉमन ले लीजिए, तो ए और ए प्लस ए बार वन हो जाएगा और बी बार आपका फाइनल आउटपुट हो जाएगा। और इसे कहते हैं हम मिनिमल एसओपी फॉर्म। तो आपका एक आंसर आ गया यहां से। दूसरा आपको पीओएस फॉर्म की बात है तो पीओएस फॉर्म उस मतलब कि आउटपुट कंसीडर जीरो पे करते हैं, तो ये एक आउटपुट रहेगा इसके लिए और ये आउटपुट रहेगा। और यहाँ पे आपको इसको रिप्रेजेंट करेंगे वाई को, ए बी को रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंटेशन होता है आप इसको प्लस में लिखते हैं, जैसे कि ये जीरो है तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी बार। बी बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि वन वन पीओएस फॉर्म में बार को रिप्रेजेंट करता है, जीरो वन को रिप्रेजेंट करता है। तो ए प्लस बी बार इंटू ये वन वन पे है आपका लो इन आउटपुट, यानी ए पीओएस के लिए हाई आउटपुट हो जाएगा तो वन वन है, तो यहाँ लिखेंगे ए बार प्लस बी बार। और इसको जो आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे ए इंटू ए बार जीरो और ए इंटू बी बार, और इसको आप लास्ट में सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा बी बार आंसर। तो ये हुआ आपका कैनोनिकल मिनिमल फॉर्म ऑफ पीओएस, एंड ये हुआ आपका पीओएस फॉर्म, कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट कुछ और टर्म है जो कि हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। कुछ टॉपिक है, कुछ टॉपिक नहीं है, बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन यूजिंग बुलियन थ्योरम में। ये आपके बेल एग्जाम या डीआरडीओ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो एक एक नंबर का क्वेश्चन आते हैं, जैसे डीएमआरसी या एनएमआरसी या आपके बेल और बीएसएनएल में, उस टाइप में ये क्वेश्चन पूछा गया था। विथ एन एन वेरिएबल मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑफ मीन टर्म एंड मैक्स टर्म, मतलब ये पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट मार्क करके। विथ एन वेरिएबल मैक्सिमम पॉसिबल मीन टर्म एंड मैक्स टर्म इक्वल टू टू के पावर एन, यानी कि अगर आपको टू वेरिएबल कोई लॉजिक एक्सप्रेशन हो तो मैक्सिमम टू के पावर एन ही पॉसिबल है उसमें मीन टर्म या मैक्स टर्म, या थ्री वेरिएबल है तो मैक्सिमम उसमें एट मीन टर्म और मैक्स टर्म हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे पीएसयूज में। दूसरा है विथ एन वेरिएबल मैक्स पॉसिबल लॉजिक एक्सप्रेशन और बुलियन फंक्शन आर, यानी कि विथ एन वेरिएबल मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिक एक्सप्रेशन और बुलियन फंक्शन आर टू के पावर एन। ये चीजें याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, टू के पावर एन। ये आपका क्वेश्चन है। सपोज कीजिए ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि अगर आपके पास एन वेरिएबल हो और उससे आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कितने पॉसिबल हैं लॉजिक एक्सप्रेशन को लिखने का या बुलियन फंक्शन को लिखने में, तो वो कितने पॉसिबल है टू के पावर एन। अगर टू वेरिएबल है तो यानी ये हो जाएगा फोर, यानी 16 टाइप से आप लॉजिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए ए एंड बी है, दो वेरिएबल है, इसमें कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ ए लिख सकते हैं, सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, या सिर्फ बी लिख सकते हैं, या सिर्फ ए प्लस बी लिख सकते हैं, या ए बी प्लस ए बी लिख सकते हैं, ए बार बी लिख सकते हैं, या ए बार बी प्लस ए बी बार लिख सकते हैं, मतलब ऐसे कितने पॉसिबल हैं लॉजिक एक्सप्रेशन को लिखने का। तो ये होता है टू के पावर एन। आप देखेंगे अगर टू वेरिएबल है तो आप 16
तरीका से आप लॉजिक के प्रश्न को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको प्रीवियस ईयर एक बार एक दो बार जो आपके पहले एग्जाम होते थे BSNL का, उसमें एक बार पूछा था कि थ्री वेरिएबल, उसने पूछा था कि अगर थ्री नंबर ऑफ वेरिएबल कितने पॉसिबल है बुलियन लॉजिक एक्सप्रेशन को, कितने तरीके से आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ करके पूछा था उसने, तो ये आपको पॉसिबल है। चलिए इस लेक्चर में हम यही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम वेन डायग्राम को देखेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पूछ बाकी है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका डी मॉक्स भी है बाकी है अभी, और आपके फ्लिप फ्लॉप नेक्स्ट और काउंटर और रजिस्टर एंड बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल, ये सब कन्वर्जन है, नंबर सिस्टम का पार्ट बाकी है, ये सब हम डिस्कस करेंगे सभी चीज़ें, और आपके इस टॉपिक पे गेट का क्वेश्चन भी बाकी है आपके बुलियन लॉजिक एक्सप्रेशन पे, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अगर आप माई अकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 7503304182 पर ऐड मी टाइप करके सेंड कीजिए। इसका फायदा यह होगा कि माई अकेडमी के सभी वीडियो का लिंक आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।